नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। हम साथ ही जानेंगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। खासतौर से बात करेंगे धान, अरहर, जीरा और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। ज्यादातर मंडियों में स्थिर रहे धान के बाजार भाव, कुछ मंडियों में आई तेजी। आइए बात करते हैं धान के बाजार की ही। बता दें आपको कि मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में धान के सौदे जो हैं स्थिर भाव पर होते हुए नजर आए। वहीं कुछ मंडियों में तेजी के साथ भी कारोबार हुआ। धान के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में धान का कारोबार स्थिरता के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में बढ़त देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक पंजाब की जलालाबाद मंडी में 27 नवंबर को धान का भाव रहा 2203 रुपए। 28 नवंबर को इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2203 रुपए पर ही बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में भी धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 27 और 28 नवंबर को धान का भाव 2183 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत मंडी में 27 नवंबर को धान का भाव था 2183 रुपए। 28 नवंबर को इसमें कोई अंतर नजर नहीं आया और भाव 2183 रुपए क्विंटल पर बना रहा। गुजरात की दहेगाम मंडी में धान का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहां 27 नवंबर को धान का भाव रहा 2210 रुपए। 28 नवंबर को इसमें 92 रुपए की बढ़त आई और भाव 2302 रुपए पर पहुंच गया। घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में धान की उपज 1355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है। पिछले साल धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी। तो धान के बाजार का हाल अभी आपने जाना है, पैदावार की स्थिति का जायजा लिया है। आगे परिस्थिति किस प्रकार रह सकती है, इस पर विस्तार से जानकारी लेने के लिए आइए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी का, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि धान के बाजार में जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, क्या ऐसी ही परिस्थिति आगे भी रहेगी या फिर कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सकती है? बात करें धान की, तो हमने धान के बाजार में एक उछाल आते हुए देखा है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में हमने एक उछाल बनते हुए देखा है। हालांकि इस बार भारत के अंदर बम्पर क्रॉप देखने को मिली थी, मगर कहीं ना कहीं त्योहारी मांग के चलते हमने भावों में एक उछाल आते हुए देखा। भाव काफ़ी निचले स्तर पर आ गए थे, वहाँ से अब हमने डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में उछाल आते हुए देखा है। हमें लगता है छोटी अवधि में धान के बाजार में तेजी का रुख रह सकता है। निर्यात मांग बढ़ने लगी है और उसका भी असर भावों पर आ सकता है। हालांकि आवक की अगर बात करें तो अब आवक धीरे धीरे अपने चरम स्थान पर है और हमें लग रहा है कि अभी आने वाले दिनों में आवक कम होती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल हम देखें तो डिमांड का असर भावों पर रहेगा और भावों में यहाँ से उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो जैसे उछाल का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है, तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, आपकी सलाह क्या रहेगी? धान के किसानों को सलाह है कि उनको अपनी क्रॉप को रोक के चलना चाहिए, क्योंकि डिमांड का असर रहेगा और भाव यहाँ से ऊपर की तरफ आ सकते हैं। डिमांड की वजह से भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसान अपनी क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं हमारे किसान, आगे आने वाले उछाल का फायदा उठा सकते हैं। और साथ ही अनु जी, आपसे भी गुजारिश है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम अलग अलग जिन्सों के बारे में जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। मंगलवार को अरहर के बाजार में रही सुस्ती, राजकोट मंडी में दर्ज हुई 695 रुपए की भारी गिरावट। आगरा मंडी में 2230 रुपए पर हुए जौ के सौदे, तो जयपुर मंडी में 1770 रुपए क्विंटल रहे बाजार भाव।
आइए बुलेटिन में बात करते हैं अरहर के बाजार की। बताएं आपको कि मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में नरमी का रुख देखने को मिला है। गुजरात की राजकोट मंडी में दर्ज हुई 695 रुपए की भारी गिरावट, जबकि कुछ मंडियों में भाव में स्थिरता भी नजर आई है। किस तरह से हो रहा है कारोबार, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मंगलवार को अरहर के बाजार में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। सबसे बड़ी कमजोरी गुजरात की राजकोट मंडी में रही। एग मार्केट के अनुसार 27 नवंबर को यहां अरहर का भाव था 10,500 रुपए, 28 नवंबर को ये 695 रुपए गिरकर 9,805 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में भी कमजोरी का रुख रहा। यहां 27 नवंबर को अरहर का भाव 9,500 रुपए था, 28 नवंबर को इसमें 100 रुपए की नरमी आई और भाव 9,400 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी सुस्ती का सिलसिला जारी रहा। यहां 27 नवंबर को अरहर का भाव 9,570 रुपए क्विंटल था, जो 28 नवंबर को 20 रुपए लुढ़क कर 9,550 रुपए रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश की ही मैनपुरी मंडी में अरहर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 27 और 28 नवंबर को अरहर का भाव 9,525 रुपए पर टिका रहा। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी हो सकती है। तो पैदावार में कमी का अनुमान है, तो ऐसे में अनुज जी क्या कहेंगे आप, आगे हम किस तरह की परिस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं या फिर उम्मीद की जा सकती है? अरहर की बात करें तो अरहर के अंदर भी हमने तेजी का रुख आते हुए देखा है। सभी दालों में डिमांड का असर रहा है। हालांकि इस बार क्रॉप भी अच्छी देखने को मिली है, मगर कहीं ना कहीं डिमांड की वजह से हमें लग रहा है कि भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमारा मानना है कि अरहर के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख रहेगा, डिमांड का असर देखा जा सकता है। हालांकि नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो फिर भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो अच्छी मांग के चलते बाजार भाव जो है वो मजबूत बने रह सकते हैं आपका कहना है। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं जिससे फायदा मिल सके उन्हें? अरहर के किसानों को सलाह है कि अगर उनका बीज छोटी अवधि का है तो क्रॉप को होल्ड करके चलें। डिमांड का असर भावों पे रहेगा, आवक कमजोर है अभी। हमें लगता है कि किसानों अगर छोटी अवधि के लिए क्रॉप को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, छोटी अवधि का नजरिया लेकर चल रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं आने वाली तेजी का। तो ये तो बात हो गई अरहर की। बढ़ते हैं आगे पपीते के बाजार भाव पर, आइए डालते हैं एक नजर। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात होगी, यहाँ पर बता दें आपको बाजार भाव जो है 3,400 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी का हाल बताएं, 1,700 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव 2,900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। तो जाना आपने अलग अलग मंडियों में पपीते का हाल किस प्रकार बना हुआ है, ऐसे ही आपको जानकारी देते हैं मौसम्बी के बारे में। हरियाणा की हांसी मंडी की बात करेंगे, यहाँ पर मौसम्बी का जो बाजार भाव है 3,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव 2,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा, और वहीं अगर हम राजस्थान की जोधपुर मंडी का जिक्र करते हैं तो सौदे 1,900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में बिकवाली जो है 2,940 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज की गई। तो आपने जाना अलग अलग मंडियों में मौसम्बी की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। अब आपको जानकारी देते हैं अमरूद के बाजार भाव की। हरियाणा की ही हांसी मंडी का जिक्र करेंगे, यहां पर अमरूद का जो बाजार भाव है 2,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। वहीं अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की, तो जानकारी दें आपको यहां पर बिकवाली जो है 4,200 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश की सियाना मंडी में बाजार भाव 4,650 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये जो लगातार हमने आपको बाजार भाव बताए हैं पपीते, मौसम्बी के, अमरूद के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने अलग अलग मंडियों में किस प्रकार बाजार भाव की परिस्थितियां बनी हुई हैं। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर।
हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एब्सोल्यूट। मेरी नई स्कूटी के लिए। वो बनो से आनी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत एप्स या जान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? RBI कहता है इनसे सुनिए। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार और जौ के बारे में, लेकिन बात करते हैं फिलहाल बाजरे के बाजार की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। भाव पर नजर डालते हैं तो मंगलवार को AgMarket के अनुसार राजस्थान की जो जोधपुर मंडी है यहाँ बाजरे का जो बाजार भाव है 2,400 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही राजस्थान की जयपुर मंडी का अगर हम जिक्र करते हैं तो इस दौरान बाजरे के सौदे 2,169 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में बाजरे की बिकवाली 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। और बता दें उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में इसका जो बाजार भाव है 2,500 रुपए प्रति क्विंटल ही दर्ज किया गया। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की जो पैदावार है 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि आपको बता दें 2021-22 के दौरान इसकी जो उपज है 97,81,000 टन रही थी, यानी कि इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कुल मोटे अनाज की उपज की तो इस बार इसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की जो पैदावार है 5,47,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की जो उपज है 5,11,01,000 टन रही थी। तो जाना अभी आपने मोटे अनाज की कुल उपज के बारे में, इसमें तो बढ़ोतरी हो ही रही है, साथ ही साथ बाजरे का हाल भी जान लिया। बाजरे में आगे किस तरह का हाल रह सकता है जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी का, लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, बाजरे को लेकर क्या कहेंगे, आगे किस ओर जा सकते हैं इसके बाजार भाव? बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे में हमने एक मिला जुला कारोबार देखा है। बाजरे के अंदर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं भाव एक सीमित दायरे में होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है, मगर कहीं ना कहीं हमने बाजरे की आवक भी बढ़ते हुए देखी है। हमें लगता है कि फिलहाल छोटी अवधि में भाव एक मिले जुले कारोबार में होते हुए दिखाई देंगे, मगर लंबी अवधि में हमारा मानना है कि मोटे अनाजों की डिमांड की वजह से बाजरे को सपोर्ट मिल सकता है और बाजरे में यहाँ से लंबी अवधि में तेजी देखी जा सकती है, मगर फिलहाल छोटी अवधि में भाव मिले जुले रहेंगे। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, क्या इंतजार करके चलना सही रहेगा? बाजरे के किसानों को सलाह है कि वो अभी छोटी अवधि का अगर व्यू है तो क्रॉप से निकल सकते हैं, मगर अगर लंबी अवधि का व्यू है तो क्रॉप को होल्ड करके चलें। डिमांड का असर भावों पे रहेगा और भावों में यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई बाजरे के बाजार की और साथ ही हमारे किसानों के लिए सलाह की। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, ज्वार के बाजार की जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को ज्वार की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। बाजार भाव की बात करें तो AgMarket के मुताबिक 28 नवम्बर को गुजरात की जो राजकोट मंडी है यहाँ पर ज्वार का बाजार भाव 5,250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। साथ ही आपको बता दें कि गुजरात की जो पोरबंदर मंडी है यहाँ पर ज्वार का बाजार भाव 5,325 रुपए प्रति क्विंटल रहा।
और राज्य की ही जम्बूसर मंडी में ज्वार 2600 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बात करें ज्वार की पैदावार की, तो इस साल ज्वार की पैदावार में कुछ कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी जो पैदावार है 39,90,000 टन रह सकती है। बीते साल ये आंकड़ा 41,51,000 टन रहा था। तो जाना आपने पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल रही है, साथ ही बाजार भाव की स्थिति का भी जायजा आपने लिया। आगे के बारे में जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, बाजार कैसा रह सकता है ज्वार का आगे आने वाले समय में, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार की हमने क्रॉप साइज भी बढ़ते हुए देखा है और माना जा रहा है कि आगे भी ज्वार की जो पैदावार है वो बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं हमने डिमांड भी यहाँ पे बढ़ती हुई देखी है, मगर जिस तरीके से आवक बनी है, जिस तरीके से मौसम अनुकूल रहा है, तो लग रहा है कि भावों में आने वाले दिनों में एक मिलाजुला कारोबार रहेगा, क्योंकि अच्छी आवक देखने को मिल सकती है। हालांकि ज्वार में देखें तो मोटे अनाजों की डिमांड जो है वो बढ़ सकती है, तो उसका असर भी रहेगा, मगर फिलहाल छोटी अवधि में भाव सीमित दायरे में रह सकते हैं। बिल्कुल, आपका कहना है कि यहाँ पर मिलाजुला सा रुख देखने को मिल सकता है, एक सीमित दायरा बना रह सकता है, तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, किस तरह की सलाह देंगे किसानों को आप? ज्वार की किसानों को सलाह है कि अभी मंडियों का रुख करके चल सकते हैं, क्योंकि छोटी अवधि में लग रहा है कि भाव सीमित दायरे में रहेंगे। हालांकि लंबी अवधि में भावों में तेजी का रुख का अनुमान है, मगर छोटी अवधि में हमें लगता है कि भाव सीमित दायरे में रह सकते हैं। तो अगर किसानों का लंबी अवधि का व्यू है तो क्रॉप को रोक के चलें, उनको अच्छे दाम लंबी अवधि में मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो क्या करना है ज्वार के किसानों को, अभी आपने जान लिया। अब बढ़ते हैं आगे, अब बुलेटिन में बात जौ के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को जौ की आवक कुछ कम नजर आई। बात करते हैं इसके हाजिर भाव की, तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जो जयपुर मंडी है, यहां पर जौ के सौदे 1,770 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। जबकि हम उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी का हाल आपको बताएं, तो यहां पर जौ 2,230 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में जौ का बाजार भाव 2,120 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और वहीं उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में इस दौरान जौ की जो बिकवाली है 2,180 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं पैदावार की, तो जौ की जो पैदावार है घरेलू स्तर पर इस साल इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की जो पैदावार है 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी जो उपज है 13,71,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। तो आइए जौ पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से, क्या कहना चाहेंगे अनुज जी जौ के बाजार को लेकर आप? जौ की अगर बात करें तो इस बार जौ के अंदर कुछ क्रॉप में कमी देखने को मिली है। जौ के अंदर अगर देखें तो डिमांड भी असर रही है, मोटे अनाजों की डिमांड देखने को मिली है। हमें लगता है कि जौ के बाजार में हम ऑलरेडी तेजी देख रहे हैं और भाव अभी और ऊपर की तरफ जा सकते हैं। कहीं ना कहीं देखें तो मोटे अनाजों की डिमांड की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो तेजी का रुख यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि मांग अच्छी है, तो ऐसे में किसान फायदा कैसे उठा सकते हैं? जौ के किसानों को सलाह है कि उनको अभी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें, अगर होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड का असर भावों पर रहेगा पर भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करना ही हमारे जौ के किसानों के लिए सही रहेगा। तो ये तो बात हो गई अलग अलग मोटे अनाजों के बाजार की। इसके साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे हम जीरे का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं, तब मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में, पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल, चौपाल पर लेकर चलेंगे हम, चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में, मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ेगी, पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है,
ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए भारत के अलग अलग गांव से कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार बुधवार और शुक्रवार सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं जीरे की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बाजार भाव की बात करें तो एक मार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को राजस्थान की जो जोधपुर मंडी है यहां जीरे का बाजार भाव 43,220 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। गुजरात की ही राजकोट मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर बिकवाली हुई 45,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राज्य की सामी मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 37,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको कि भारतीय मसाला बोर्ड ने साल 2022-23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़ोतरी का अनुमान जताया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि का जिक्र किया जाए तो इस दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी कि इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 71,242 टन तक ज्यादा हो सकती है। इस बार इसमें इतनी बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। तो अनुज जी, अब आपका रुख एक बार फिर से करना चाहेंगे, जीरे को लेकर क्या कहेंगे, आगे किस तरह से रह सकते हैं इसके बाजार भाव? जीरे की अगर बात करें तो जीरे में हमने मौसम अनुकूल होने की वजह से सोइंग एक्टिविटी बढ़ती हुई देखी है, बुआई बढ़ती हुई दिखाई दी है, बुआई का रकबा भी बढ़ा है और बुआई भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि जीरे के बाज़ार में आने वाले दिनों में बुआई का असर काफ़ी रहेगा और कहीं ना कहीं अगर आगे आवक देखने को मिलती है तो भाव फिर नरम हो सकते हैं। हालांकि हमने वायदा व्यापार के अंदर भावों में सीमित दायरे का कारोबार देखा है और भाव अपने उच्च स्तर से नीचे आते हुए भी दिखाई दिए हैं, तो सोइंग का बुआई का जो फर्क है वो भावों में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी, किस तरह के कदम उठाना किसानों के लिए सही रहेगा? जीरे के किसानों को सलाह है कि बुआई पे नजर रखें, बुआई कैसी होती है, मौसम भी अनुकूल है तो हमें लगता है कि अगर बुआई बढ़ती है और आवक बढ़ती है तो फिर भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। निर्यात मांग की वजह से भावों में थोड़ा बहुत सपोर्ट आ सकता है, मगर हमें लगता है कि आगे अब जीरे के बाजार में बुआई का असर रहेगा तो छोटी अवधि में हमें लगता है किसानों को लिए सलाह है कि भाव मिले जुले रह सकते हैं, बुआई का आंकड़ा जो है वो देखने लायक है और हमें लगता है कि अगर आगे नई आवक स्टार्ट होगी तो भाव फिर नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को जो भी उछाल मिलता है वहाँ बिकवाली का रूप अपना सकते हैं, तो मंडियों का रुख करके चलना ही हमारे किसानों के लिए यहाँ पर सही रहेगा। बिल्कुल अनुज जी, आपने इतनी अहम जानकारियाँ हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने जाना जीरे के बारे में, बढ़ते हैं आगे भिंडी के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। बात होगी गुजरात की सूरत मंडी की। भिंडी का जो बाजार भाव है 3,125 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। बात करेंगे महाराष्ट्र की पुणे मंडी की तो यहाँ पर सौदे 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं राजस्थान की जालोर मंडी में सौदे हुए 3,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में बाजार भाव 1,670 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। तो जाना आपने अलग अलग मंडियों में भिंडी के बाजार भाव की किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। ऐसे ही आपको बताते हैं गाजर के बाजार के बारे में। राजस्थान की जोधपुर मंडी में गाजर की बिकवाली हुई 1,200 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी का जिक्र करेंगे तो यहां पर बिकवाली 1,700 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज की गई और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बिकवाली हुई 1,850 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो गाजर के बाजार भाव के साथ साथ अब आपको बताते हैं प्याज के बाजार भाव के बारे में। राजस्थान की जालौर मंडी का जिक्र करेंगे, प्याज की बिकवाली हुई 3,800 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं पंजाब की दोराहा मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बता दें आपको 3,300 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए और उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में बाजार भाव रहा
3380 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने अलग अलग मंडियों के हाल के बारे में। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।